ये वीडियो बाइबल के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उल्लेखित भविष्यवाणियों की घटनाओं का एक काल्पनिक चित्रण है। उन्हें शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। वे केवल काल्पनात्मक उद्देश्य के लिए हैं, क्योंकि वास्तविकता इस भौतिक मस्तिष्क की समझ से परे है। यीशु मसीह का पुनरागमन। हजार साल का राज्य परमेश्वर के मंदिर के स्थापना के साथ होगा। ये अद्भुत मंदिर का विवरण एज़ेकियेल नबी के द्वारा दिया गया है, एज़ेकियेल की पुस्तक 41वें अध्याय में। और यहां से राजा प्रभु यीशु सारे मानव जात का राज करेगा और जाति जाति के लोग इस मंदिर की ओर आएंगे, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु की आराधना करने के लिए। परमेश्वर का वचन देहधारी रूप में मसीहा बनकर इस धरती पर आया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। यशया की पुस्तक 9वां अध्याय आयत 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वां अध्याय आयत 7। जब हजार वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की रेत के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा।
प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय आयत 9, और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी। और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा। और उसको जो उस पर बैठा हुआ है, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। और उनके लिए जगह न मिली। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वां अध्याय आयत 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वां अध्याय आयत 13। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वां अध्याय आयत 14। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है।
प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय आयत 15, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21वां अध्याय आयत 8, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21वां अध्याय पहला आयत, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने दुल्हे के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना होगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 10वां आयत, और वह मुझे आत्मा से एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और वह पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी, और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यश की तरह स्वच्छ था, और उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। और उन फाटकों पर इसराइलियों के 12 गोत्र के नाम लिखे थे। और नगर के शहरपना की 12 नींवें थी, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे।
और 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय आयत पहला। फिर उसने मुझे बिल्लोर के समान झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले के आवश्यकता न होगी, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय आयत 24। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज के सामान उसमें लाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय आयत 27। और उसमें से कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22वां अध्याय आयत 3। और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22वां अध्याय 12वां आयत। यीशु ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे।